आई एम वेरी गुड एट बार्गेनिंग। अगेन मैं दिल्ली से हूँ, मैंने लोकल ट्रेन के अलावा जो नॉर्मल ट्रेन होती है। कभी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो, आप वो गिफ्ट आपने किसी और को पास कर दिया? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में वो दिवाली पे यही होता है, कोई भी गिफ्ट आता है वो आगे हो जाता है, तो ये चलता रहता है। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, बट कोई पर्सनली गिफ्ट देता है तो वो मैं नहीं आगे करता। तो कभी आपने लोकल ट्रेन या बस में विदाउट टिकट ट्रैवल किया? हाँ किया है ना, मैंने लोकल ट्रेन के अलावा जो नॉर्मल ट्रेन होती है दैट गोज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसमें भी किया है, और बस में नहीं किया। तो मार्केट में बार्गेनिंग करने की कोशिश की आप कभी? आई एम वेरी गुड एट बार्गेनिंग। अगेन मैं दिल्ली से हूँ तो हम लोग फेमस होते हैं बार्गेनिंग करने के लिए। सरोजनी मार्केट नहीं, सरोजनी मार्केट नहीं गया मैं आप कभी नहीं गए? नहीं तो लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन है आपको, मतलब किसी वे पर नहीं मिल रहा हो, आपने न्यूज़ पर उठा के अपने हाथ धो दिए? हाँ, पर्दों से भी पूछे हैं बहुत बार, अपने कपड़े भी गंदे करे हैं, डांट भी पड़ी है, बट अब मैं बड़ा हो गया हूँ और हम लोग सीख रहे हैं, आपकी तरह आप भी सीख रहे हो गए आई एम श्योर, तो अब नहीं करते ऐसे, आप भी मत करना। तो कभी ऐसा सिचुएशन है आपका फैमिली खत्म हो गया, उसमें पानी ऐड करके यूज? हाँ आज सुबह ही किया मैंने, नहीं आई एम किडिंग, बट किया है। तो ऐसा सिचुएशन है आपको कोई फॉरनर मिल गया हो, रॉन्ग हिंदी सिखाने की कोशिश किया है आपने उसे कुछ? रॉन्ग हिंदी नहीं, रॉन्ग पंजाबी, पंजाबी रॉन्ग ज़्यादा साउंड्स मोर फन, तो बहुत सिखाया। जानना चाहेंगे क्या सिखाने की कोशिश किया है आपने? उसके लिए आपको सेंसर करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा। आपसे जानना चाहेंगे कभी ऐसा सिचुएशन है कोई रेस्टोरेंट में बैठे खाना आ गया हो एंड वो खाने को अपनी माँ के बने आपके खाने से कंपेयर कर रहे हो? हमेशा, बट कंपैरिजन हो नहीं सकता, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना इज ऑलवेज बेटर। तो किसी भी इंसान से आप पहली बार मिलते हैं, सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? क्या देखता हूँ, देयर बिहेवियर विद अदर पीपल, देयर वो कैसे अपने से दूसरे, अपने से मे बी छोटे तो नहीं कहूँगा, बट इन इन लेमैन्स लैंग्वेज छोटे लोगों से कैसे बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम वेरी एलर्जिक टू पीपल विद अलॉट ऑफ एटीट्यूड एंड एरोगेंस एंड ऑल दैट। तो तो लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको ट्रैवलिंग के समय दाल चावल की क्रेविंग हुई है? नहीं, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दाल चावल। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, बनाए रखना प्यार, और हम लोग मेहनत करते रहेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे।